दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लोग अक्सर गलतियां कर जाते हैं जब सही टाइम होता है कुछ इन्वेस्टमेंट करने का। जो मैंने गलती किया हूं अपने लाइफ में, मैं नहीं चाहता कि आप भी वो गलती को करें। 1999 2000 के दशक से मैं इस फील्ड में हूं, आईटी फील्ड में, और मैंने पैसा काफी कमाया है। कुछ किसी तरीके से वो खर्च हो गया मेरा, लेकिन जो एक सही टाइम में इन्वेस्टमेंट था, मेरे को गाइड नहीं मिला, किसी कोई बताने वाला नहीं था, तो मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, मैं खर्चा कर दिया, इधर उधर पैसा मेरा बर्बाद हो गया। लेकिन मैं पिछले 3 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट, एक अच्छे जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करता हूँ, कैसे पैसा को मैनेज करता हूँ। तो दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं बता रहा हूँ आपको। अगर आपका 10,000 रुपये सैलरी है या 20,000 है, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 10,000 का 10,000 लगा दीजिए, मात्र आप 1,000 या 2,000 रुपया बस मंथ का इतना ही आपको बचाना है, और ज्यादा नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना है ज्यादा। बस 1 से 2,000 रुपया अगर आप मंथ का सेव कर लेते हैं, अगर आपका एज 20 है और आप 1 से 2,000 रुपया अगर आप सेव कर लेते हैं, ओनली 20 to 25 years, मैं आपको नहीं बोलता कि आप जिंदगी भर इन्वेस्टमेंट करते रहिए, और ऐसा नहीं है कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए, मात्र 1 से 2,000 रुपया अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 20 to 25 years तक, तो आप करोड़पति बन सकते हैं। ये आपको देखने और सुनने में लग रहा होगा कि क्या बोल रहा है यार, पागल हो गया है क्या यार, 1,000 रुपया 2,000 रुपया लगा करके कोई करोड़पति बनता है? मैं अभी आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे अभी ले चलूंगा, तो आपको दिखाऊंगा कैलकुलेशन करके कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का क्या पावर होता है, कैसे ये कैलकुलेट होता है, और कितना हो जाता है 1,000-2,000 रुपये इन्वेस्टमेंट, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और मैंने अपना जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसको भी दिखाऊंगा प्रिंट स्क्रीन, ताकि आपको एक बिलीव हो, एक फेथ हो जाए कि हाँ, रियली में 1-2,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति बना जा सकता है। अगर आप 20 में हैं और 20-25 years आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि 40-45 years के बाद आप करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन पेशेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट कर दिए, 1 साल 2 साल 5 साल के बाद आप निकाल ले पैसा। हाँ, निकाल सकते हैं, अगर आपको मजबूरी आता है या कुछ किसी तरीके का कुछ भी आपके ऊपर आता है तो आप निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली आप इसीलिए सेव कर रहे हैं कि जब आपको परेशानी है तो आप उस पैसा को यूज कर सकें। लेकिन पेशेंसली आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं आज एक इन्वेस्टमेंट करके आपको दिखाता हूं, एक म्यूचुअल फंड में, एक्सिस बैंक का ब्लू चिप जो म्यूचुअल फंड है, मैं सोचा हूं कि उसमें भी मैं 1,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट इस मंथ से स्टार्ट करूंगा। तो मैं वही आपको आज एक लाइव डेमो दिखाऊंगा कि कैसे आप एक्सिस बैंक का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो भी इन्वेस्टमेंट कीजिए डायरेक्ट, कोई ब्रोकर नहीं, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1% का बचत होता है, मतलब 1% एक बहुत बड़ा रकम हो जाता है, क्योंकि जो भी आप ब्रोकर से करवाएंगे तो आप उनको 1% आपका कमीशन चला जाता है, ब्रोकरेज चार्ज। तो चलिए मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे अभी आपको ले चलता हूँ, एक लाइव डेमो दिखाता हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे तो आई होप कि आप करोड़पति बन सकते हैं 20-25 साल के बाद। ये सपना है, लेकिन सपना सच हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले आप अपना मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए, इसके बाद यहाँ पे टाइप कीजिए एक्सिस म्यूचुअल फंड ऐप को, आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिए। मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर ले रहा हूँ, और इस ऐप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर के ले सकते हैं। वीडियो लंबा होगा, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो लंबा होगा, थोड़ा सा पेशेंसली देख लीजिए, इसको एक बार देखना है आपको। चलिए, तो यहाँ मेरा एक्सिस बैंक का म्यूचुअल फंड इंस्टॉल हो गया है ऐप, यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए, ये ओपन हो रहा है, इसके बाद यहाँ नीचे में नेक्स्ट, इंटर पैन टू लॉग इन और रजिस्टर बोल रहा है। तो सबसे पहले आपका जो भी पैन कार्ड का नंबर है, यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड का नंबर इंटर कर लीजिए, इसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो इसके बाद देखिए, आपका जो पैन कार्ड का जो नंबर है वो आ गया। अब आपका फुल नेम एज पर पैन वो पूछ रहा है, पैन कार्ड पे जो नेम है वो यहाँ पे आप इंटर कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल लीजिए, यहाँ पे डन कर दीजिए, मोबाइल नंबर डाल लीजिए, जो भी आपका मोबाइल नंबर है जो वर्किंग में है, जिस पे ओटीपी वगैरह आ सकता है, ईमेल आईडी आप लिख दीजिए, ऐसा ईमेल आईडी लिखिएगा कि आपका वो वर्किंग में होगा, क्योंकि ओटीपी वगैरह आते रहता है, आपको नोटिफिकेशन स्टेटमेंट वगैरह आते रहेगा। तो यहाँ पे मैं ईमेल आईडी लिख लिया, यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे वेरिफिकेशन
भेज रहा है मेरे मोबाइल में। यहाँ पे मोबाइल पे मेरा वेरिफिकेशन कोड आ गया। अब यहाँ पे मैं कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आ गया लॉगिन करने के लिए। यहाँ पे मैं कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे अब पासवर्ड सेट करने के लिए दे रहा है, तो जो भी आपका पासवर्ड है वो यहाँ पे आप अपने मन के अनुसार आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। यहाँ कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ 4 डिजिट का एम पिन पूछ रहा है, इसी एम पिन से आप फ्यूचर में लॉगिन करेंगे। तो जो भी आपको लगता है कि एम पिन होना चाहिए वो यहाँ पे डाल दीजिए, फिर से कंफर्म कर दीजिए। यहाँ पे देखिए हो गया। अगर आप इसमें फिंगरप्रिंट वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं टच स्क्रीन करके। मैं यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ। ऑथेंटिकेट हो गया, ये अब रेडी हो रहा है मेरा जो प्लेटफॉर्म है। स्टार्ट न्यू SIP यहाँ पे देखिए नीचे में दिख रहा है सबसे कॉर्नर में राइट साइड का। यहाँ पे स्टार्ट SIP पे जा करके यहाँ पे स्टार्ट न्यू SIP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो भी स्कीम यहाँ पे दिख रहा है जो एक्सिस बैंक का है वो यहाँ पे आ जाता है। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि कौन सा स्कीम में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो मैं तो यहाँ पे एक्सिस बैंक का ब्लू चिप जो डायरेक्ट फंड है उसमें मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। तो यहाँ एक्सिस बैंक का ब्लू चिप फंड डायरेक्ट डिटेल्स में मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये सारा चीज़ दिखा रहा है कि क्या क्या इसमें है। यहाँ पे ऐड टू कार्ट कर दीजिए और यहाँ पे बोल रहा है डायरेक्ट में ग्रोथ पे आपको करना होगा, डायरेक्ट ग्रोथ। इसके बाद लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या SIP इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या यहाँ पे 1,000 रुपये मेरा मंथली का कटेगा 3/11/2021 से। तो यहाँ पे मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया, ऐड टू कार्ट वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पे फोलियो नंबर सेलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है तो क्रिएट न्यू फोलियो आप यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए एक। देखिए मेरा आ गया, नेम, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे वेरिफिकेशन भेज दिया गया है, वेरिफिकेशन कोड देखिए मेरा यहाँ पे आ गया। यहाँ एज इट इज जो आया है वो रहने दीजिए। आई हैव रीड, आई हैव डिक्लेयर्ड कर लिया, ऐड एप्लीकेंट में यहाँ ऐड कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे नॉमिनी का नाम पूछ रहा है तो आप यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लीजिए पहले यहाँ पे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। रिलेशन क्या है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। 100% मैं देना चाहता हूँ नॉमिनी को अपना शेयर जो है वो सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ऐड न्यू बैंक डिटेल्स पूछ रहा है तो यहाँ पे आप बैंक डिटेल्स अपना ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना बैंक अकाउंट को ऐड कर दिया। यहाँ पे क्रिएट फोलियो पे क्लिक कर दिया तो देखिए मेरा फोलियो जो है वो क्रिएट हो गया है। यहाँ पे एक्सिस बैंक ब्लू चिप का डायरेक्ट प्लान जो है ग्रोथ में यहाँ पे मेरा लग रहा है। यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दीजिए, डायरेक्ट सेल्फ और डायरेक्ट कर दीजिए वहाँ पे ताकि आपका कोई भी ट्रांजेक्शन चार्जेज ना कटे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैं यहाँ पे करने वाला हूँ और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मेरा 3 नवंबर से कटेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ 1000 का। मैं बिलर भी ऐड करना आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे मेरा आ गया सारा डिटेल्स, बैंक वैंक आ गया, पे यूजिंग नेट बैंकिंग। तो यहाँ मेरा इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड डालने के लिए आ गया है। तो यहाँ मैं लॉगिन कर लिया हूँ। तो यहाँ मेरा OTP आ गया है फोन में। हाँ, मैंने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया। तो देखिए यहाँ पे मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का ट्रांजेक्शन सक्सेस हो गया। मैं 1000 रुपीज अभी फिलहाल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया हूँ अक्टूबर मंथ में। अब यहाँ पे बोल रहा है कि बिलर ऐड करने के लिए, देखिए ये यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन आ गया, URN जनरेटेड करके URN भी मेरा जनरेट हो गया है। इसी से मैं SIP का जो है बिलर जो है ऐड करूँगा। एक्टिवेशन पेंडिंग है, लॉग इन टू योर रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट बिलर पे, तो वहाँ पे मैं बिलर ऐड कर दूंगा बाद में। यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए अभी डैशबोर्ड में चला जाता हूँ। तो ये मेरा 1 से 2 दिन लगेगा मेरा जो SIP है जो फुल्ली तरीके से एक्टिवेटेड होने में। तो दोस्तों ये तो बात हुआ इन्वेस्टमेंट का कि इन्वेस्टमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट पर मंथ के हिसाब से 20 साल 25 साल के लिए करते हैं तो आपका कितना इन्वेस्टमेंट होगा और कितना आपको ग्रोथ मिलेगा। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पे अपना कंप्यूटर ऑन कर लिया हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे साइड में दिखा देता हूँ कि मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और कितना लगभग लगभग मेरे को ग्रोथ रेट मिला है। मतलब 50-52% का देखिए यहाँ पे ग्रोथ रेट मिला है। तो अगर 50-52% आप छोड़ दीजिए, अगर आप 20 से 25% अगर आपको मिल जाता है ग्रोथ रेट
पर ईयर का, तो आप करोड़पति बन सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक सुंदरम में इन्वेस्ट किया था, एक एलएनटी में किया था, एक ब्लू चिप में इन्वेस्टमेंट किया था एसबीआई का, तो एक बढ़िया इन्वेस्ट मेरे को रिटर्न दिया है। मैं अभी एक्सिस बैंक का ब्लू चिप में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया आज से, तो एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होगा। अब मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ आपको और कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। आप एक लमसम 1,000 रुपया का अगर 20-25 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना आपको मिलेगा इसमें रिटर्न। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे google.com पे चले जाइए। इसके बाद यहाँ पे टाइप कीजिए, यहाँ पे मैं SIP कैलकुलेटर खोल ले रहा हूँ, चूंकि SIP कैलकुलेटर जो है वो अच्छे तरीके से आपको बताएगा कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितना आपको रिटर्न देगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे SIP इन्वेस्टमेंट मंथली का कर देते हैं 1,000 रुपया। चलिए यहाँ पे मैंने 1,000 रुपया सेट कर दिया। अब ये एक्सपेक्टेड जो रिटर्न रेट है वो कितना देगा, मेरे को तो 52% दिया है, 50% दिया है, मैं उतना नहीं जाता हूँ। मैं अप्रोक्सीमेटली ले करके चलता हूँ 25%। अगले 20-25 साल में अगर आपको 25% का इन्वेस्टमेंट मिल जाता, और कितना साल के लिए, यहाँ पे 10 साल नहीं, मैं यहाँ पे 20 साल नहीं 25 साल ले लेता हूँ। देखिए 25 साल मैंने यहाँ पे ले लिया। अब देखिए यहाँ पे सिनेरियो क्या हो जाता है, क्या से क्या आप सोच नहीं सकते हैं SIP का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का पावर। देखिए यहाँ पे 1,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट हो गया पर महीना का, 25% का, 25% छोड़ दीजिए, मैं चलिए 20% लेकर के चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। चलिए 20%, ठीक है ना, ये 25 साल के लिए। देखिए यहाँ पे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है 3 लाख मात्र, 3 लाख, और इस्टीमेट रिटर्न जो है 83,26,000 रुपीज मिला करके 86,26,000 आपको ऑफ द एंड मिलेगा, आपको लगभग 86 लाख। ये 20% का, अगर मैं इसको 22% भी कर दे रहा हूँ, 22% मैंने कर दिया, कम से कम कि 22% अगर आपको रिटर्निंग मिलता है तो देखिए यहाँ पे 1,28,00,000 रुपया आपको 25 साल के बाद मिलेगा। देख रहे ना, यहाँ कैलकुलेट करने वाला चीज़ है, मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप विश्वास क्यों करेंगे भाई। आप ऑनलाइन जाइए, SIP कैलकुलेटर खोल लीजिए और अपने से कैलकुलेट कीजिए। मैं 1,000 का बात बोल रहा हूँ पर महीना, अगर आप 2,000 रुपये कर देंगे दो SIP में, एक SIP 1,000 का कर लीजिए, दूसरा SIP 1,000 का कर लीजिए, तो आप विश्वास नहीं करेंगे। अगर 2,000 का पर मंथ अगर जो SIP आप करते हैं तो 2,57,00,000 रुपये आपको रिटर्न मिलेगा 25 साल में 22% के हिसाब से। अगर ये 30%, 35% चला गया तो फिर तो आपको कहना ही नहीं है। तो ये अपने हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का मकसद एक ही है, मेरा मैसेज देने का एक ही मकसद है कि आप अभी से 20 इयर्स के एज से आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। इसीलिए जो मैंने गलती किया वो आप गलती मत कीजिए, आप अभी से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपका फ्यूचर जो है, आपका रिटायरमेंट जो है वो सेफ हो सके। अगर नहीं पता है आपको कि किसी भी SIP का बिलर कैसे ऐड करते हैं तो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, मैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जा करके देख सकते हैं कि किसी भी म्यूचुअल फंड का बिलर ऐड कैसे करते हैं और आप खुद ऐड करके उसको फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया, आपको इससे कुछ नॉलेज मिला तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों चैनल के साथ बने रहिए ताकि मैं जो भी वीडियो लाता हूँ आपके नॉलेज के लिए लाता हूँ, आपके फायदे के लिए लेकर के आता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।